बिहार के मोतिहारी में ग्रामीणों ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान में जुटे बीडीओ और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया है। इस हमले में 2 सुरक्षा कर्मी समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना AES जागरूकता चौपाल लगाने के दौरान हुई। वो DM के निर्देश पर AES और कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता चौपाल लगाने पहुँचे थे। दरअसल प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि जागा पाकड़ के महादलित बस्ती में कोरोना बंदी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद DM के विशेष आदेश पर हरी सिद्धि के BDO सुनील कुमार पुलिस बल के साथ गांव में जागरूकता चौपाल लगाने पहुंचे, जहां गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने टीम पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन की गाड़ी पर भी जमकर पथराव किया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे पुलिसकर्मियों और प्रशासन के अधिकारियों पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में प्रशासन और पुलिस दिन रात एक किए हुए हैं। इसके बावजूद असामाजिक तत्वों की हरकतें नहीं थम रही हैं। न्यूज डेस्क।